क्या होनी चाहिए आपको स्वस्थ रखने वाली डेली डाइट। सेहत बनाए रखने के लिए हम सभी अपनी समझ के मुताबिक डाइट पर ध्यान देते हैं। अपनी समझ और नॉलेज से हमें जो हेल्दी लगता है वही खाते हैं। लेकिन अब रिसर्चर्स ने लैंसेट डाइट नाम से एक डाइट प्लान शेयर किया है। लैंसेट डाइट को स्वस्थ रखने वाली डेली डाइट के पाले में रखा गया है। आइए जानते हैं क्या है इस डाइट की खासियत। आइडियल डाइट में आपके खाने से मीठे को आधा करेंगे तो जिंदगी दोगुनी स्वस्थ हो जाएगी। शुगर के साथ साथ डाइट से रेट मीट भी कम करने की सलाह दी जाती है। वहीं साथ ही फ्रूट, सब्जियां और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। लैंसेट डाइट वर्ल्ड वाइड डाइट प्लान में इन्हीं निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। लैंसेट डाइट जर्नल लैंसेट में प्रकाशित की गई है। इसके बारे में कहा गया है कि ये डाइट हेल्दी होने के साथ साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। इस डाइट को बनाने में 19 वैज्ञानिक, 16 देशों के 18 लेखकों ने डाइट लैंसेट कमीशन के अंतर्गत प्लान किया है। ये डाइट बनाने वाले पैनल के एक संपर्क में भारत की ओर से पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से श्रीनाथ रेड्डी थे, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की तरफ से सुनीता नारायण थी। डाइट कमीशन ने निर्देश दिया कि जिस व्यक्ति की रोजाना की डाइट में 2500 कैलोरीज हैं, उसकी 800 कैलोरीज का सोर्स चावल, गेहूं या मक्का होना चाहिए। 204 कैलोरी फल सब्जियों से लें, रेड मीट से 30 से ज्यादा कैलोरी नहीं लें। इस डाइट में ऊपर वाली स्लाइड में दी गई जानकारी के साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि आइडियल डाइट में शुगर और फैट न जोड़ें। निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि दुनिया भर में अनहेल्दी डाइट की वजह से सेहत खराब होती है और सेहत खराब होने की वजह एक साल में 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख प्रीमैच्योर बेबी की डेथ है। हेल्थ को लेकर वर्ल्ड वाइड डाइट प्लान का आना सेहत से जुड़े ग्लोबल टारगेट को दर्शाता है। साथ ही सिस्टम ये भी बताता है कि हमें कौन से फूड लेने की प्रैक्टिस अपनी आदत में शुमार कर लेनी चाहिए। कमीशन में रेड मीट कम लेने की सलाह पर कहा गया है कि मीट से मिलने वाले प्रोटीन के लिए सब्स्टिट्यूट जरूर लें। ये डाइट बनाने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि नॉर्थ अमेरिकन देशों के लोग 6.5% टाइम रेड मीट लेना प्रेफर करते हैं। वहीं साउथ एशिया के देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, में आधे लोग रेड मीट लेते हैं। सभी देशों के लोग स्टार्ची सब्जियां खा रहे हैं।